फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। सो गाइस, फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए इस न्यू वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे एक और न्यू प्लेटफॉर्म की, फ्री अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ की। सो आगे बढ़ने से पहले, प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने से पहले, आप सबको बता दूं कि टैग अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल हमारा है, जहां पे हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं सभी अपडेट्स, जितने भी हम फ्री के प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं अर्निंग के लिए। तो जैसे कि अभी आपके साथ शेयर किया हवा टेस्टनेट का अपडेट, जो हम सब ने ज्वाइन किया था, आप इसे चेकआउट कीजिएगा। और साथ ही आज कुछ इंपॉर्टेंट AMA भी आने वाले हैं, जैसे सुई नेटवर्क पे AMA है, सुई नेटवर्क के SNS पर भी है, सुई नेम सर्विस का AMA भी है आज रात को, एंड फेवर का भी आज AMA है, साथ ही वेला एक्सचेंज की साइट से भी इनका AMA है। तो आप इन सबको ज्वाइन कीजिएगा, और ज्वाइन करने पर इससे मिलने वाले जो बेनिफिट्स हैं, आप उन्हें ग्रैब कीजिएगा, जो फ्यूचर में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, अभी जस्ट आपके साथ लास्ट एक वीडियो शेयर की है, जहाँ पे गैलेक्स के जितने भी NFTs एड्रॉप चल रहे हैं, उनके बारे में बात की है, जिससे कि फ्यूचर में अगर आप उन NFTs को होल्ड करते हैं, तो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट फ्री में मिल सकता है। तो प्लीज़ इन्हें चेकआउट कर लीजिएगा और सभी NFTs को क्लेम कर लीजिएगा। तो अब आ जाते हैं आज के हमारे इस वीडियो के टॉपिक पे, जो कि है ऐश स्वैप की साइट से। ट्वीट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐश स्वैप जो है, यहाँ पे इनका एक गिव अवे चल रहा है, जहाँ पे हमें इनके ऐश पॉइंट्स को अर्न करना है, और ऐश पॉइंट्स को अर्न करने पर, इनके टेस्टनेट में पार्टिसिपेट करने पर, हमें इनके प्लेटफॉर्म के खुद के जो नेटिव टोकन है, ऐश टोकन, वो मिलने वाला है, और सभी के लिए है, सभी ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म है, खास इसलिए है क्योंकि ये जो सपोर्ट करता है, वो एलरॉन इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है, और इसके पॉइंट्स को किस तरीके से अर्न करना है, ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताती जाऊँगी। तो इसके अलावा आपको इसकी पूरी पोस्ट मिल जाती है, यहाँ पे आने पर आपको पूरा क्लियर हो जाता है कि अगर आप इसके इस इवेंट को ज्वाइन करते हैं, और ऐश पॉइंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको वाइट लिस्ट ऑफ ऐश स्वैप्स एड्रॉप जो है, वो मिल सकता है। ऐश पॉइंट्स को अर्न करने के लिए इन्होंने डिफरेंट जो वेज है, वो बताए हुए हैं, जिसमें कि पहला आता है कि यहाँ पे डेली की ट्रांजेक्शन्स करना है। टोटल आपको 8 टास्क करने हैं, कैसे करने हैं आगे बताऊँगी। बिल्कुल टेस्टनेट पर है, किसी भी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसके बदले में आपको 400 पॉइंट्स डेली के मिल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप आर्टिकल लिखना जानते हैं मीडियम पे या अदर प्लेटफॉर्म्स पे, और ये फॉर्म फिलआउट करते हैं, तो उसके भी आपको प्लेटफॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है पॉइंट्स मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई बग रिपोर्ट वगैरह बताते हैं, और यहाँ पे इनके इस फॉर्म को फिल आउट करते हैं, तो 10K प्लस पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा जितने जितने पॉइंट्स आपके पास होते जाएंगे, आपको यहाँ पे इनके डिस्कॉर्ड के जो रोल है, वो भी क्लेम करने हैं। जैसे कि इन्होंने बोला है डिस्कॉर्ड रोल कन्वर्सेशन रेट, तो ये पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही आपको रोल यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो सब यही है करना है। अब आपको किस तरीके से ज्वाइन करना है, चलिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे माया के एप्लीकेशन की ज़रूरत आपको पड़ेगी, तो ये इनकी वेबसाइट है। अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है, तो आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। बट अगर ऑलरेडी है, तो बस आपको क्या करना है, तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। ये आ चुकी हूँ मैं हमारे मोबाइल पे, और यहाँ पे एप्लीकेशन को मैंने इंस्टॉल कर लिया है, आप ही इंस्टॉल कर लीजिएगा। एंड सिंपली आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। देन अगेन यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, आपको क्लिक करना है। देन कंटिन्यू करते हुए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अ न्यू वॉलेट, तो आपको इस पर क्लिक करना है अगर आपके पास वॉलेट नहीं है। सो गाइस, यहाँ पर आपको आपका फ़ोन नंबर देना होगा, और आपके फ़ोन पे OTP जाएगा, उस OTP को आपको देना है, और यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। सेकंड चीज़, आपको वॉलेट में एंटर होते ही सबसे पहला काम करना है, आपके जो सीक्रेट फ्रेसेज हैं, वो आपको कॉपी करके रख लेना है। वो आपको कहाँ पे मिलेगा, सिंपली आप यहाँ पे आएंगे, और सिंपली आप सीक्रेट फ्रेसेज के इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपके फ्रेसेज आपको मिल जाएंगे। जब आप बैकअप लेंगे, तो आपको इस तरीके से बोला जाएगा कि इसे कंप्लीट करने के लिए, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है कि इफ़ I lose my phrases, I will lose my money, इस तरीके से। और लिखने के बाद आपको अनलॉक सीक्रेट फ्रेसेस पे क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पे एक पिन क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा, आप वो पिन को क्रिएट कर लीजिएगा। सो बस वेरीफाई करने के बाद, फ्रेसेस को बैकअप लेने के बाद में, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे नया वॉलेट है, तो क्लेम योर हीरो टैग, तो आप अपना यूज़र नेम यहाँ पे सेट कर लीजिएगा।
एंड कंफर्म कर दीजिएगा। देन यहाँ पे आपको EGLD का जो वॉलेट एड्रेस है आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे आपका वॉलेट एड्रेस मिलेगा देखने को, तो आपको उसे कॉपी करना है। सी वॉलेट के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे आपको रिसीव का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको यहाँ पे आना है और एड्रेस को कॉपी कर लेना है। तो गाइज यहाँ पे फॉसिट क्लेम करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको सिंपली उस लिंक पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपको टेस्ट नेट दिख रहा है आपको इसे सिंपली डेवनेट कर लेना है क्योंकि ये डेवनेट पर है। और यहाँ पे जो आपको वॉलेट एड्रेस दिख रहा है आपको यहाँ पे अपना वॉलेट एड्रेस पेस्ट कर देना है जो अभी आपने कॉपी किया और इसे सबमिट कर देना है। सो गाइज यहाँ पर आ रहा है बैलेंस इज टू लो प्लीज ट्राई लेटर, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें नहीं मिलने वाला फॉसेट, तो दूसरे फॉसेट का लिंक आपको दूंगी। सो ये सेकंड लिंक आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको डायरेक्ट अपना वॉलेट जो है मायर का जो हमने क्रिएट किया है अभी इसको कनेक्ट करना है। तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा मायर लॉगिन का, आपको सिंपली इस पे करना है पिन दीजिए। तो आपको यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए अप्रूव का ऑप्शन आएगा, अप्रूव कीजिए तो ये वॉलेट आपका कनेक्ट हो गया। अगेन आपको उसी वेबसाइट पर आना है और 3 डॉट्स पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है, आपको यहाँ पे फॉसेट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है, कैप्चा सॉर्ट आउट करना है एंड रिक्वेस्ट टोकन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो आपको सक्सेसफुली यहाँ पे आपके फॉसेट मिल गया। और गाइज आपको एक और फॉसेट यहाँ पे क्लेम करना होगा जहाँ पे डिफरेंट टोकन भी आपको एज अ फॉसेट यहाँ पे मिलेंगे जिससे कि ट्रांजेक्शन में आपको यहाँ पे काम आएंगे, तो यहाँ पर भी आपको वॉलेट को कनेक्ट कर लेना है, सिंपली अप्रूव। अगेन इस वाले फॉसेट पे आने के बाद में आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लेम के ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपके पास ट्रांजेक्शन आएगी साइन इन करने के लिए, साइन इन कीजिए, डन। फॉसेट क्लेम करने के बाद आपको सिंपली इनकी वेबसाइट पे आ जाना है जहाँ पे आपको पॉइंट्स को कलेक्ट करना है, यहाँ पर भी अगेन आपको वॉलेट को कनेक्ट करने के लिए बोलेगा तो वॉलेट को कनेक्ट कर लीजिए। वॉलेट कनेक्ट होने के बाद ये आपके पास में वेबसाइट पर इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। देन इसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा लिंक योर अकाउंट, तो आपको इसे लिंक करना है अपने ट्विटर या डिस्कॉर्ड से, वो भी उससे जो कि आपका 1 महीने पहले का हो या पुराना हो। तो मैं इसको लिंक कर लेती हूँ, तो मैंने गाइस इसे डिस्कॉर्ड से लिंक कर लिया है। देन उसके बाद आपके जितने एश पॉइंट्स होंगे वो आपको यहाँ पे शो कर देगा और साथ में ही आपका रैंक भी आपको यहाँ पे शेयर कर रहा है। तो अब आपको आपका रैंक इंक्रीज करना है, पॉइंट्स इंक्रीज करना है, उसके लिए जो टास्क करने हैं वो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि लिक्विडिटी ऐड करनी है, स्वैपिंग करनी है, लिक्विडिटी ऐड करने के बाद क्लेम करना है, तो उन सब के जितने जितने पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं वो बताया हुआ है। तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, पहले स्वैप फीचर को यूज़ करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे हमने क्लिक किया तो स्वैपिंग फीचर में कुछ इस तरीके से आ गया, टोकन्स हम ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं। तो सिंपली यहाँ आने के बाद आप अपने USDT को मैंने यहाँ पे लिया है और नीचे हम यहाँ पे ले लेते हैं इसको स्वैप टू USDC में। अब यहाँ पे अमाउंट दे देते हैं, मैंने यहाँ पे 200 अमाउंट दिया है एंड सिंपली इसको स्वैप करते हैं। जब आप स्वैपिंग करेंगे तो आपके मायर वॉलेट में आप चेकआउट कीजिएगा, आपको साइन इन ट्रांजेक्शन आएगी, आपको उसे ओके करना है। यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन पेंडिंग में प्रोसेसिंग में चल रहा है। सो गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्वैपिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेस्ट वाले ऑप्शन पे अगेन चले जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टास्क हमने किया उसके लिए यहाँ पे क्लेम का ऑप्शन आ चुका है और हम इसे क्लेम कर लेते हैं। तो क्लेम करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पॉइंट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे और हमारी जो रैंक है वो भी इंक्रीज होती जाएगी धीरे धीरे। बस इसी तरीके से आपको टास्क को कंप्लीट करना है, जैसे कि यहाँ पे पहला वाला जो टास्क है हमारा ऐड लिक्विडिटी का, तो सिंपली अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ क्योंकि हमने USDT टू USDC तो ऑलरेडी कर लिया है, तो हम यहाँ पे लिक्विडिटी ईजिली प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐड लिक्विडिटी का ऑप्शन पे हमने क्लिक किया तो हमको मिल गया है USDC एंड USDT का, तो हमको इस पर क्लिक करना है एंड सिंपली आप अमाउंट सेट करके इसको डिपॉजिट करेंगे। मायर वॉलेट में आपके पास कंफर्मेशन आएगी, साइन ट्रांजेक्शन, डिपॉजिटिंग इज इन प्रोसेस। बाकी इसमें और भी पूल्स मिल जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप स्वैपिंग करके यहाँ पे लिक्विडिटी को प्रोवाइड कर दीजिएगा। तो लिक्विडिटी ऐड होके कुछ इस तरीके से आ गया है। अगर आप लिक्विडिटी के और बढ़ाना चाहें तो आप प्लस वाले साइन पे क्लिक कर सकते हैं, अगर रिड्यूस करना चाहें तो माइनस वाले साइन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही अगेन मैं यहाँ पे क्विस्ट वाले ऑप्शन पे आई तो यहाँ पे क्लेम करने के लिए मेरे पास ऑप्शन आ गया और मैंने अगेन इन्हें क्लेम कर लिया। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे यहाँ पे पॉइंट्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो नेक्स्ट टास्क है कि क्लेम फार्म रिवॉर्ड और एंटर वन फार्म। तो पहले फार्मिंग दे दीजिए, यहाँ पे फार्मिंग कर लीजिए, उसके बाद में उसका जो रिवॉर्ड होगा उसे क्लेम कर दीजिए।
सो लिक्विडिटी के लिए हम इस पेज पर आते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं तो यहाँ पे USDC एंड USDT भी जाऊँगी और यहाँ पे स्टेक LP के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। अमाउंट में हम यहाँ पे दे देते हैं 5 और यहाँ पे स्टेकिंग हमने कर दी है एंड सिंपली यहाँ पे वेरीफाई कर देते हैं, स्टेक कर देते हैं। वॉलेट में आके इसे कंटिन्यू कर देते हैं, साइन ट्रांजेक्शन कर देते हैं एंड जस्ट वेट करते हैं। सो गाइस ये कंफर्म हो चुका है। अगर आपको इंक्रीज़ करनी हो तो आप इंक्रीज़ यहाँ से कर सकते हैं और अगर आपको हटानी हो, माइनस करनी हो तो आप यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे क्विस्ट वाले टास्क पे हम लोग आ चुके हैं और इसे क्लेम कर लेते हैं। तो ऑल ओवर सभी टास्क आप इजीली कर लेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि आप अगर आप मान के चलिए आप एग्जिट फॉर्म वाला ऑप्शन कर रहे हैं तो सिंपली इसके आप ऊपर आप गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जब गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सिंपली नीचे करेंगे तो यहाँ पे LP टोकन लिखा हुआ है ना, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे गाइड मिल जाती है पूरी। तो सिंपली आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स आ जाता है कि किस तरीके से टास्क को आपको वन बाय वन यहाँ पर कंप्लीट करना है। ठीक है गाइस, तो आप कर लीजिएगा, अपने पॉइंट्स को इंक्रीज कीजिएगा जिससे कि इसका एड्रॉप हमें 101% मिल सके। सो गाइस यहाँ पे मैंने हार्वेस्ट वाला टास्क भी कंप्लीट कर लिया, जो हमने स्टेक किया था उसी से पॉइंट्स को क्लेम कर लिया, तो ये भी काम खत्म हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे है एग्जिट फार्म वन टाइम, एग्जिट करना है। तो जो हमने स्टेक किया था, जो माइनस वाला पॉइंट दिखाया था, उससे मैंने थोड़ा बहुत अमाउंट जो है वो उसमें से अनस्टेक कर दिया तो ये वाला टास्क मेरा क्लेम हो गया। इसमें अमाउंट को इंक्रीज करना है तो चलिए चलते हैं। सो यहाँ पे आने के बाद सिंपली हमने ऊपर किया तो यहाँ पे मैनेज एंड स्टेक का ऑप्शन आया है। मान के चलिए हम यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं 5 एंड इसको यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, स्टेक करते हैं, मैं साइन इन करते हैं, जस्ट वेट करते हैं। नेक्स्ट टास्क यहाँ पे रिमूव लिक्विडिटी का है, चलिए इस पर क्लिक करते हैं। हमने जो हमारे पुल पे आ जाते हैं, ये वाला पुल था तो इसमें से रिमूव करनी है, तो माइनस वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से विड्रॉ किया, साइन इन, ट्रांजेक्शन कंफर्म होती है, यहाँ पे क्लेम का ऑप्शन आ गया तो इसे भी डन कर लेते हैं। सो लॉकअप पीरियड आपको यहाँ पे बढ़ाना है तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आप आएंगे देन आपका अमाउंट दिख जाएगा आपको, यहाँ पे आप टाइम दिखेगा 7 days 9 hours, ये मैंने किया है। तो यहाँ से आप इस पीरियड्स को बढ़ा सकते हैं। तो सिंपली इतना करने के बाद आप नीचे करेंगे तो इसको यहाँ पे आ जाएगा, स्टेक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सो बस आप देख सकते हैं ये भी हमारे पास क्लेम होने के लिए आ गया। बस ये इंक्रीज अमाउंट वाला है, ये शायद टास्क मेरा नहीं हो पाया तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, योर स्टेक डैश मैनेज, यहाँ पे अमाउंट हम इंक्रीज कर देते हैं 5 more। सो ये भी कंप्लीट हो गया और मैंने 8 के 8 टास्क आपको लाइव करके बताए हैं, कंप्लीट करके बताए हैं। तो डेली के ये टास्क आपको करना है जिससे कि आपके पॉइंट्स इंक्रीज हो। पहले मेरे पास केवल और केवल 10,000 पॉइंट थे और अभी टास्क को करते हुए यहाँ पे 14,200 पॉइंट्स हो चुके हैं। रैंकिंग जो 400 के अंदर थी वो 144 पे आ चुकी है। सो बस गाइस इसी तरीके से आप टास्क को करते रहिएगा और जब जब आपके पास पॉइंट्स आ जाए तो रोल्स लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी एंड फॉर्म भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक बने रहिए आप हमारे साथ ट्रैक अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच।